नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं BNB ऑल इंडिया न्यूज। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें BNB से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं BNB के लेटेस्ट खबरें। आइए रुक करते हैं खेल संबंधित खबरों की ओर। बताया जाता है जहां बेटियों ने पढ़ाई में अपनी अलग पहचान बनाई है, वहीं खेलों में भी लगातार परचम लहरा रही हैं। इधर झारखंड राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी लड़कियां खेलकूद में अपनी प्रतिभा को निखार रही हैं। आइए देखते हैं फुटबॉल टूर्नामेंट में पहुंचे लड़कियों ने किस कदर अपने खेल का लोहा मनवाया और टूर्नामेंट में कब्जा जमाया। हालांकि बालक और बालिकाओं का दोनों खेलों का आयोजन किया गया था, लेकिन बालिकाओं के खेल को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। उत्तरी छोटा नागपुर क्लब पैसरा टांड द्वारा बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पैसरा टांड खेल मैदान में आयोजित दो दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि 20 सूत्री अध्यक्ष नुनुराम किस्कू उपस्थित होकर कमेटी एवं खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया था। बालक वर्ग में विजेता कॉलेज हॉस्टल गिरिडीह तथा उप विजेता मैदिनी सारे गांडे टीम रही तथा बालिका में विजेता प्रेरणा भारती मधुपुर तथा उप विजेता महेश मुंडी गांडे रही। कमेटी के अध्यक्ष किशोर किस्कू की अध्यक्षता में संपन्न इस टूर्नामेंट समारोह में गांव के मांझी हडाम एवं कई सम्मानित अतिथि एवं समाज के प्रबुद्ध लोग मौजूद थे। इधर बालिकाओं का खेल देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं मैच के दौरान शानदार कॉमेंट्री सुभाष गुप्ता के शेर व शायरी एंकरिंग से लोगों में काफी उत्साह देखा गया। गौरतलब हो कि फुटबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में कमेंटरिंग एंकरिंग में चर्चित बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के युगल जोड़ी समस्त तबरेज आलम और मिराज आलम के बाद युवा कर्मठ ईमानदार कुशकर गुजरने की तमन्ना रखने वाले सुभाष गुप्ता के कमेंट्री की तारीफ हर किसी की जुबान पर बोल रही है। आंसू प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो ने कहा है कि आने वाले समय में राज्य और देश स्तर पर खेल आयोजनों में परचम लहराया जाएगा। आइए देखते हैं कैसे हुई खेल और कैसे हौसला अफजाई कर खिलाड़ियों को किया सम्मानित। तो फिर आप बने रहें BNB के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। और यहां तक आने के लिए आप सबों को मैं अपनी ओर से हृदय से नमन करता हूं। दर्शक भाई बंधुओं, खेल प्रेमियों को सुभाष गुप्ता छठ पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं इस खूबसूरत से ग्राउंड पे स्टेडियम डाल में, जहां शानदार जनदार मुकाबला चल रहा है। गेड़ी कॉलेज बनाम आर्मी 11 की टीमें खेल रही है। हुआ क्या, ये बदला लेंगे, कौन सा खिलाड़ी है? सोच रहे हैं विंगर, सोच रहे हैं डिफेंडर, और इस बीच गेंद को दूसरी बार स्टीयर कर दिया था। यहाँ पर लुढ़कता हुआ गेंद पर कब्जा जमाया एंड वन पर गेंद पर यहाँ पर कब्जा जमाता हुआ। क्या इस बार यहाँ पर मौका बनाएंगे, क्या इस अवसर पर गोल डालेंगे? यहाँ पर इस बार प्रगवाल करने के लिए शानदार तरीके से खिलाड़ी को ट्रबल किया, मौका बन सकता है, गेंद को स्टीयर कर दिया और इससे पहले की शॉट जमाता खिलाड़ी आगे निकल आए थे। जी हाँ, ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज़ पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।